हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, एक्सेल के अंदर अगर आपको कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो आप कैसे करेंगे, और दूसरी चीज की अगर आपको ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर करनी है कस्टम लिस्ट तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, दोनों ही चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कस्टम लिस्ट क्या प्रिपेयर हुई है। अगर मैं यहाँ पे सिटी लिखता हूँ, देखिए सिटी लिखा हमने, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो सिटीज के नेम हमने दिए हो वो सिटीज के नेम यहाँ पे आते चले जाएं, लेकिन जैसे आप इसे ड्रैग करते हैं ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिटी सिटी केवल आता चला जा रहा है। तो ये कस्टम लिस्ट कैसे प्रिपेयर करी जाए, तो देखिए इसके लिए एक्सेल में बड़ा आसान तरीका है। आप सीधा यहाँ ऑफिस बटन पे चले जाइए अगर 2007 यूज कर रहे हैं तो, और यहाँ एक्सेल ऑप्शन पे जाइए। जैसे ही आप एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको इस तरीके का जो है सिनेरियो नजर आएगा, यानी आप एक्सेल ऑप्शन 2007 वर्जन में ओपन होते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा कर्सर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है नेम लिखे हुए हैं, जैसे पॉपुलर है, फॉर्मूलाज है, प्रूफिंग है, फिर है, एडवांस है, कस्टम है, एड इन है, और ट्रस्ट सेंटर है, और रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, ये पॉपुलर पे ही रहना है, ये देखना है आप पॉपुलर, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पर आए और अब हम अपनी नई कस्टम लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं नेम नाम से एक कस्टम लिस्ट बनाता हूँ। तो नेम में क्या दे देंगे, राम श्याम, यानी जैसे ही हम नेम लिखें तो ये चीजें अपने आप आती चली जाएं, यही कस्टम लिस्ट है। ठीक है, अगर आप सिटी के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ नेम के बजाय यहाँ पे लिख दीजिए सिटी CITY, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देवरिया, यहाँ पे गोरखपुर, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे लखनऊ LUCKNOW, यहाँ पे देहरादून, ये लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, इसको ऐड कर दीजिएगा और ऐड करके ओके कर दीजिएगा और ओके करके यहां से भी ओके कर दीजिए। अब जरा कमाल देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी CITY, ये सिटी लिखा और एंटर किया, और यहां से अब सिटी को ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये चीज जो है जहां तक हमने लिस्ट बनाई थी वहां तक तो ये आता चला जा रहा है, और अगर नीचे डाल देंगे चीजों को तो वो आती चली जाएगी। अब मान लीजिए कलर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो वही यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सेल ऑप्शन पे जाइए और ये पॉपुलर पे रहते हुए आपको क्या करना है, फिर वही एडिट कस्टम लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करके अब मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया COLORS, कलर्स हो गया, और यहाँ पे करते हैं रेड, एंटर, ग्रीन, एंटर, यहाँ पे कर दीजिए एंटर, फिर ब्लू BLUE, फिर यहाँ पे येलो YELLOW, फिर यहाँ वायलेट, ये हो गया वायलेट, यहाँ पे हो गया ब्लैक, ठीक है, फिर यहाँ BLACK ब्लैक कर दिया, फिर यहाँ BROWN ब्राउन हो गया। तो ये बहुत सारे कलर के लिस्ट करके और ऐड कर दीजिए और ओके करिए। देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही ओके इसको भी करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ COLORS कलर, ठीक है, और यहाँ पर अगर इसे ड्रैग करवा लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये कलर की लिस्ट जो है हमें दे रहा है, देख रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कस्टम लिस्ट। आ रही है बात समझ में, लेकिन सवाल ये है कि यही चीज अगर आपको ओपन ऑफिस कैल्क में करना हो तो अभी कैल्क को ओपन करना होगा, तो यहाँ से ओपन ऑफिस कैल्क को मैं ओपन करता हूँ कि यही चीज आपको कैल्क में करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या पता हो या ना हो, क्या लिस्ट बनती भी है ऐसी कस्टम लिस्ट ओपन ऑफिस कैल्क में या नहीं बनती है, ये भी सवाल रहता है आपका कई बार। तो जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगी, और कैसे बनेगी वो दिखाता हूँ आपको एक एक करके। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कैल्क को ओपन कर लीजिएगा, और कैल्क में आपको देखिए ये मेन्यू बार है, सबसे ऊपर तो टाइटल बार होता है, उसके ठीक नीचे आपको मेन्यू बार दिखाई पड़ेगा। तो ये फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, टूल्स मेन्यू। क्या मिलता है, टूल्स मेन्यू, तो टूल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे टूल्स पर ना, तो ये सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक मिलता है ऑप्शन ऑप्शंस का, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब देखिए ये जो है, अगर माइनस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और अगर इस पर क्लिक रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ा होगा लोड ऑब्लिक सेव लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये लोड ऑब्लिक सेव लिखा हुआ है ओपन ऑफिस के ठीक नीचे यहाँ पर, ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो कह रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क जो लिखा हुआ है इसी में जाकर के हम कस्टम लिस्ट बनाएंगे। तो डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट, ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट लिस्ट जो लिखा हुआ है यहीं पर हमें आ जाना है, ठीक है, अब देख लीजिए यहीं पर आ चुके हैं हम। और अब हम चूंकि नया एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले से दिया गया है, जैसे मंडे ट्यूजडे, अगर आप संडे लिख देते हैं तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे अपने आप आता चला जाता है,
ठीक है, अगर आप इस तरीके से एम ओ एन लिख के छोड़ देते हैं तो एम शॉर्टकट में नेम आता है वीक्स का, ठीक है, वीक में जो दिनों के नाम है वो शॉर्टकट में आते हैं, जनवरी फरवरी भी दिया गया, तो एक नई कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, देखिए ये न्यू ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्कार्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ सिटी, और यहाँ पे सबसे पहले देवरिया सिटी, फिर गोरखपुर सिटी, फिर यहाँ पर दिल्ली कर देते हैं, फिर यहाँ देहरादून कर देते हैं, फिर यहाँ बेंगलोर कर देते हैं, बेंगलुरु, ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर यहाँ पर कर देते हैं हैदराबाद, ये कर दिया हैदराबाद। फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, लखनऊ कर देते हैं, लखनऊ। तो ये एक कस्टम लिस्ट प्रिपेयर होती हुई आपको नजर आएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे, तो जब ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये लिस्ट ऐड हो गई। तो जब आप सिटी यहाँ पे लिखेंगे ना और जब ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होती चलेगी। देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रही है लिस्ट, ठीक है, और जितनी लंबी लिस्ट बना देंगे उतनी लंबी लिस्ट ये डिस्प्ले करता चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको इसकी लिस्ट नहीं बनानी थी, नेम की लिस्ट बनानी थी, तो नेम की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। कैसे, फिर वही तरीका कि यहाँ टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर के कहाँ जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, और ऑप्शंस पे जाकर के और आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट पे आना है, कहाँ जाकर के ओपन ऑफिस कैल्क में जाएंगे और शॉर्टलिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और इस बार नेम की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो नेम में क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राम, एंटर करेंगे श्याम, एंटर करेंगे सचिन, एंटर करेंगे राजू, एंटर करेंगे लोकेश, सुरेश, महेश, ये जो भी नाम है आप यहाँ पे देते चले जाइए, इसी की कस्टम लिस्ट आपको प्रिपेयर होती हुई नजर आएगी। इसको ऐड जरूर करवा लीजिएगा। तो ये ऐड कर लिया, अब यहाँ पे देखिए लिखिए नेम और एंटर करिए और यहाँ से इसको ड्रैग करवाइए। देखिए यही कस्टम लिस्ट आपको जनरेट होती हुई नजर आएगी, देखिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप चाहे तो ओपन ऑफिस कैल्क में भी बना सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो मैंने दिखाई दिया, यही चीज आप लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन कर लेता हूँ तो सेम यही तरीका है, ओपन ऑफिस में लिब्रा ऑफिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये लिस्ट क्रिएट करने के तरीके, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टूल्स ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, और जैसे ही मिलता है तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिब्रा ऑफिस कैल्क पे आना है, ये जो कैल्क है यहाँ पर आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आकर के अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये प्लस का निशान बनता है, तो ये प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर भी आपको नजर आएगा शॉर्टलिस्ट, सेम चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी बनाना है तो यहाँ पे नेम की एक लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे गौरव लिख देते हैं, जी ए यू आर ए बी, गौरव हो गया, और फिर यहाँ पे नीचे सौरव कर देते हैं, एस ए यू आर ए बी एच, सौरव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हिना लिख दिया, यहाँ पे कुंदन लिख दिया, यहाँ पे लोकेश लिख दिया, तो ये बहुत सारे नाम हमने यहाँ पे दे दिए और इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करके अप्लाई कर दीजिएगा और अप्लाई करके ओके। तो यहाँ पे जैसे ही नेम आप देंगे ना, अब देखिए यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने और यहाँ पे इसको ड्रैग करवाएंगे तो देखिए वही चीज आधा चला जाएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं नाम। तो बस यही तीनों में है और तीनों में ही कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करना बड़ा आसान है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सॉफ्टवेयर में कस्टम लिस्ट कैसे प्रिपेयर करी जाए एक साथ मैंने बता दिया है, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।